ये देखिए हमने साबूदाना ले लिया है। आज हम साबूदाना का रोटी बनाएंगे पराठा स्टाइल में। ये मैंने 6 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था। बिल्कुल इस तरह का नरम होना चाहिए, देखिए कि दबाने पे इस तरह से फूट जाए। देखिए अभी हम इसका मसाला तैयार करते हैं। मसाले के लिए हमें यहाँ पे सूखी धनिया, काली मिर्च और जीरा, इसे हम तवे पे हम इसे फ्राई कर लेते हैं, बिना तेल के इसे फ्राई कर लेते हैं। देखिए हमारा ये इस तरह से हम भूज लिए हैं हमने इसे। अभी हम इसे मिक्सर में डाल के हम इसे पीस लेते हैं। इसे हम ज़्यादा बारीक नहीं करेंगे, इसे हम दरदरा पीसेंगे। साबूदाना का पराठा बनाने के लिए अभी इसके बाद हम ये 2 बड़े आलू मैंने ले लिए हैं। अभी इसे हम उबाल लेते हैं। इसे हम अच्छी तरह से उबाल लेंगे। साबूदाना के पराठे में डालने के लिए अभी हम ये चटनी बनाते हैं। देखिए ये हरी धनिया का पत्ता है और ये मैंने यहाँ पे 5 हरी मिर्च ले ली है और कड़ी पत्ता है। इन सभी को हम दरदरा खून लेंगे। इसे ज़्यादा बारीक नहीं करना है, पेस्ट नहीं बनाना है, सिर्फ दरदरापन रहे इस तरह का हमें इसे पेस्ट बनाना है। देखिए हमारा ये मसाला है जो हमने भूज लिया था, धनिया, जीरा और इसमें काली मिर्च था, 1 छोटे चम्मच काली मिर्च था, 1 छोटा चम्मच जीरा था और 2 बड़े चम्मच सूखी धनिया था। हमने इसे भी फ्राई करके इस तरह से हमने दरदरा खून लिया है। अब ये साबूदाना के अंदर जाएगा। ये देखिए इस तरह से हमें चटनी को खूनना है या पीसना है। देखिए इस तरह से दरदरा होना चाहिए। इसके बाद हम 3 चम्मच हम सेंग दाना ले लेंगे। ये इसे हम तवे पे भूज लेते हैं, उसके बाद इसे दरदरा पीसना है। देखिए कुछ इस तरह से बिल्कुल इतना ही हमें रखना है, इतना ही हमें इसे भूजना है, उसके बाद हम इसे दरदरा पीस लेते हैं। हमने 2 आलू ले लिया था, छिलके हमने इसे उबाल लिया था और उसके बाद एक आइटम ये भी है जो हमने मूंगफली के दाने को हमने भूज के उसके बाद ये दरदरा हमने पीस लिया है। देखिए इस तरह से दरदरा हमें पीसना है। अभी हम साबूदाना का मटेरियल तैयार करते हैं। इस साबूदाना का हमें पेस्ट बनाने के लिए हम इसमें हम ये जो धनिया, जीरा, काली मिर्च का हमने दरदरा खून लिया था ये हम डाल देते हैं। हरी मिर्च और हरी धनिया का, इसके बाद ये मूंगफली के दाने हम दरदरा खूना हुआ, उसके बाद हम इसके साथ ये उबाले हुए आलू, इन सभी को हम मिक्स करके एक पेस्ट बना लेते हैं। अच्छी तरह से हमें पेस्ट बनाना है। ये देखिए कुछ इस तरह से हमें ये पेस्ट हमें बनाना है साबूदाना के पराठे के लिए। अभी इसमें हम सेंधा नमक डालेंगे क्योंकि हम नवरात्रि स्पेशल बना रहे हैं, इसलिए सेंधा नमक का इस्तेमाल करेंगे। स्वाद अनुसार नमक डालते हैं सेंधा, इसको मिला लेते हैं। अभी देखिए इसे हम पराठे की तरह बनाते हैं, हम इसे बेलेंगे नहीं, इसी तरह से हम ये देखिए इस तरह से, और हाथों को थोड़ा पानी से गिल्ला जरूर कर लेना, नहीं तो ये क्या थोड़ा चिपचिपा होता है, थोड़ा चिपकेगा। ये देखिए इस तरह से हमें तैयार करके हम इसे ये देखिए इस तरह से हमें डालना है। ये देखिए अभी हम इसे पलट लेते हैं। इस तरह से हमें इसे पलटी कर लेना है। ये देखिए दोनों साइड से हमें अच्छी तरह से लाल लाल पका लेना है, इसी तरह से।
ये देखिए हमारा ये तैयार हो गया है। अभी हम इसे इस चम्मच के जरिए सपोर्ट से हम इसे निकाल लेते हैं। कुछ इस तरह से हम सभी को बना लेंगे। एक हमने बना लिया था, अभी हमने दूसरा डाला है बनने के लिए। आप चाहे तो कढ़ाई में भी फ्राई कर सकते हैं ज़्यादा तेल में, मैं तवे पे फ्राई कर रहा हूँ। हमें इसे बनाते वक्त ना पलटे से हमें इस तरह से ज़रूर करना है कि अच्छे से जो भी अंदर की नमी रहे सब निकल जाए, और हल्के हाथों से, ज़ोर से नहीं। ये देखिए हमने इसे पका लिया था धीमी आंच पे हमने, उसके बाद मीडियम आंच पे। ये देखिए इस तरह का कुछ है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए, और इसे नए नए वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।